ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फ्लावर का जो टाइम पीरियड रहता है वो सर्दियों के अंदर रहता है फ्लावरिंग करने का। और ये जो फ्लावर का प्लांट है ये सर्दियों के अंदर मार्च अप्रैल तक खूब दबा के फ्लावरिंग करता है। और इसके फ्लावर का जो यूज़ है वो वरमाला के अंदर भी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गार्डनिंग चैनल के ऊपर, विशाल गार्डनिंग के अंदर। आज हम एक जो आप फ्लावर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक सीजनल फ्लावर है और ये बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर सर्दियों के अंदर फ्लावरिंग करता है। तो आज हम कुछ एक दो तीन फ्लावर्स प्लांट की बात करेंगे सीजनल, जो बिल्कुल सर्दियों के अंदर फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो साथ के साथ इसको शेयर करते रहिएगा। तो ये देखिए हमारा जो प्लांट है, ये इसके ऊपर नए नए बर्ड्स भी आ रहे हैं, और आपको चारों तरफ इसको मैं दिखाता हूँ। हर एक जो है ब्रांच के ऊपर इसके बर्ड्स आ रहे हैं, और ये आने वाले समय के अंदर, अभी जैसे आप सबको पता है कि उत्तर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसे जैसे आने वाले समय के अंदर धूप निकलनी शुरू होगी, ये पूरा का पूरा प्लांट हमारा वाइट कलर के फ्लावर से पूरा का पूरा ये लद जाएगा। और इस प्लांट की खासियत ये भी है कि आप इसको एक बार ही लगाएंगे अपने गार्डन के अंदर, तो ये अगले साल सर्दियों के अंदर ऑटोमेटिकली जो है आपके जो गार्डन के अंदर पॉट्स हैं या मिट्टी है उसके अंदर इसके जो है सैपलिंग्स दोबारा से ग्रो करने शुरू कर जाएंगे। और ये प्लांट है जो कि जितनी भी शादियां वगैरह होती हैं उसके अंदर वरमाला के अंदर भी यूज़ होता है। तो इस प्लांट का नाम है डेजी, और ये बहुत ही ज़्यादा बम्पर संख्या में फ्लावरिंग करता है। इसको जो लगाने का समय रहता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में रहता है, और इसका फ्लावरिंग का टाइम जो रहता है सर्दियों के जाते जाते मार्च एंड तक रहता है। काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करता है, और जब ये प्लांट के फूल अपने आप सूखने लग जाते हैं तो इसके ये जो मिट्टी के अंदर मिलके दोबारा से इसके बीज जो है मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और जब मौसम ठंडा होना शुरू होता है ये फ्लावरिंग और प्लांट है अपने आप ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट के लिए आपने जब भी ग्रो करना है तो इस प्लांट को आप 50% है जो गार्डन सॉइल एड ऑन कीजिए अपने गमले के अंदर। हमने इस प्रकार से, ये देखिए टब हैं हमारे प्लास्टिक के, इनके अंदर हमने इसको ग्रो करा हुआ है, और ये हमारे दो ही प्लांट लगे हैं अभी इस टब के अंदर, बाकी और जगह भी हमारे प्लांट लग रहे हैं। तो 50% आपने गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करना है, और जो है बाकी ही 50% आप इसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट को इसकी सॉइल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं और इस प्लांट को लगा दीजिएगा। और इसको लगाने के अप्रोक्स, जिस तरह सपोज आपने नवंबर में लगाया है तो दिसंबर तक आपका जो प्लांट है नवंबर मिड में 10 से 15 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से हेल्दी हो जाएगा, और उसके बाद ये दिसंबर मिड के अंदर फ्लावरिंग करनी शुरू कर देता है। दिसंबर मिड या जनवरी स्टार्टिंग के अंदर ये फ्लावरिंग करनी शुरू कर देगा। और ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट रहता है। इस प्लांट को आप समय समय पर जो है ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं रहती, आप इसके अंदर सिर्फ गोबर की सड़ी हुई खाद ही दें और आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो इस प्लांट को सर्दियां बहुत ज़्यादा पसंद है, अरे फूल देखिए कितना खूबसूरत सा इसका फ्लावर है, ये देखिए बहुत खूबसूरत फ्लावर है। और इसके ऊपर जो है कीट वगैरह का जल्दी जल्दी अटैक नहीं होता, अगर होता भी है तो आप इसके ऊपर ऑर्गेनिक ही जो है दवाई का उपयोग कीजिएगा, जो कि आप घर के अंदर जिस तरह नीम का जो है पानी होता है उसको, या उसके अलावा जैसे कि घर में हल्दी होती है, हल्दी को पानी में डिसॉल्व करके प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। अभी देखिए कितने संख्या के अंदर हमारे जो प्लांट के ऊपर बर्ड्स आ रहे हैं,
और अभी फ़िलहाल इसके अंदर फ्लावर दो ही खिले हैं, तो आने वाले समय के अंदर ये पूरा प्लांट है जो उनसा फ्लावर से लग जाएगा। और इस फ्लावर के प्लांट की खेती भी की जाती है बहुत सारी जगह पर, और इसके अंदर से जो है खुशबू बहुत प्यारी प्यारी आती है। ये भी एक किस्म से बात करें तो गुलदाउदी की वैरायटी का ही तकरीबन वैसा सही होता है। ये दिखाते हैं आपको गुलदाउदी भी जो हमारे इस पर लगी हुई है। ये देखिए कितना बड़ा फूल आ रहा है। आपने हमारे चैनल पर अगर नहीं देखी है तो आप जाके विज़िट कीजिएगा। हमने अपने चैनल पर बता रखा है कि गुलदाउदी के छोटे प्लांट से अगर साइज़ के अंदर फ्लावर छोटे आ रहे हैं तो आप किस प्रकार से नर्सरी वालों की तरह ट्रिक करके अपने जो प्लांट्स हैं बड़े बड़े फ्लावर ले सकते हैं। ये भी सीजनल फ्लावर का प्लांट है गुलदाउदी, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, या आप इसको नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। हमने इसका सैपलिंग लगाया था और ये परमानेंट प्लांट है। आप इसको एक बार ही लगाएंगे तो ये गर्मियों में भी जो रहता है, और इसके अलावा आप इसको बीज के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे कलर्स के फ्लावर आते हैं, जैसे कि पिंक भी आता है, ऑरेंज भी आता है, ये देखिए कुछ पर्पल भी है इसके अंदर हमारे पास लगा हुआ, और येलो शेड के अंदर भी है। ये देखिए येलो दिखाते हैं आपको, येलो शेड के अंदर है, कितना बड़ा फ्लावर है इसका, ये देखिए। तो ये सारे के सारे सीजनल फ्लावर हैं। उसके अलावा मैरीगोल्ड आता है, मैरीगोल्ड को भी आप इजीली अपने गार्डन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। साल्विया का प्लांट है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, साल्विया भी आपको सीजनल फ्लावर प्लांट है और ये सर्दियों के अंदर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। उसके अलावा डेंथस जो है ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये सीज़न रहता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सारा। तो अभी कुछ सर्दी ज़्यादा हो रही है तो सर्दी के कारण भी प्लांट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारे एरिया के अंदर फ्लावरिंग और खूबसूरत तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर है इसका, और ये हमारा टाइगर रोज़ है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, दो तीन वीडियो है हमारी। अगर आप कुछ इस प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके ईज़िली ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।